नमस्कार, मैं हूं प्रिया। आज है 25 अक्टूबर। आइए जानते हैं बिहार की 25 बड़ी खबरों को। धनतेरस के शुभ अवसर पर आइए जानते हैं हम धनतेरस क्यों मनाते हैं। दिवाली की शुरुआत हो चुकी है। दिवाली आने से पहले धनतेरस आता है। यह पर्व कार्तिक मास में कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी को मनाया जाता है। मान्यता है कि इस दिन समुद्र मंथन से भगवान धन्वंतरी उत्पन्न हुए थे। इनके उत्पन्न होने के समय इनके हाथ में एक अमृत कलश था, जिस कारण धनतेरस पर बर्तनों की खरीदारी का रिवाज शुरू हुआ। ऐसी मान्यता है कि इस दिन खरीदारी करने से उसमें 13 गुना बढ़ोतरी होती है। धनतेरस के दिन कई लोग धनिया के बीज भी खरीदते हैं, जिसको दिवाली के रोज अपने बगीचे में बोते हैं। पावापुरी महोत्सव का उद्घाटन करेंगे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भगवान महावीर के 2545वां निर्वाण महोत्सव सह पावापुरी महोत्सव का उद्घाटन 26 अक्टूबर को करेंगे। उद्घाटन के मौके पर मंत्रिमंडल के कई मंत्री, सांसद, विधायक, अन्य नेता सहित विशिष्ट लोगों के साथ जैन समाज, स्थानीय लोग शिरकत करेंगे। आपको बता दें, भगवान महावीर के महापरिनिर्वाण महोत्सव पर 2 दिवसीय भगवान महावीर पावापुरी महोत्सव का भव्य आयोजन हर साल किया जाता है। तैयारी को लेकर नालंदा के जिलाधिकारी योगेंद्र सिंह एवं एसपी नीलेश कुमार पावापुरी का कई बार दौरा कर चुके हैं। वहां की व्यवस्था की पल पल की जानकारी सीएमओ ले रहे हैं। एसटीईटी परीक्षा की तारीख आगे बढ़ाने की मांग कर रहे हैं छात्र। माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा के लिए शिक्षा विभाग असमंजस में फंसती नजर आ रही है। यह परीक्षा 7 नवंबर को आयोजित की गई थी, मगर हाईकोर्ट ने एसटीईटी परीक्षा में आवेदन भरने वालों की उम्र सीमा में बदलाव करने का आदेश दिया था, जिसके पश्चात कई और लोग आवेदन भरने के लिए योग्य हो गए हैं। अब सारे उम्मीदवार परीक्षा की तारीख को आगे बढ़ाने की मांग कर रहे हैं, जिसके बाद बीएसईबी अब असमंजस में दिखाई दे रहा है। बीएसईबी के पास तारीख बढ़ाने के अलावा कोई और विकल्प नहीं बचा है। कटिहार वासी महज 5 रुपए में खिला रहे स्वादिष्ट भोजन। 5 रुपए का टोकन में स्वादिष्ट भोजन की गाड़ी जैसे ही कटिहार शहर के न्यू मार्केट में लगती है, वैसे ही बैंक, पुलिस, ठेला और रिक्शा वालों की भीड़ उमड़ जाती है। चावल, दाल, सब्जी के साथ नमक मिर्च अचार सहित मीठा बुंदिया से लगभग 400 लोग अपना पेट भरते हैं। अब तक किसी सरकारी संस्थान ने लोगों के हित में ऐसा कोई कदम नहीं उठाया है। दिवाली और छठ में पुलिस अधिकारियों की छुट्टी हुई रद्द। दीपावली और छठ में महज कुछ दिन ही बचे हैं। इसके मद्देनजर बिहार पुलिस की ओर से जोर शोर से तैयारियां शुरू हो चुकी है। दिवाली और छठ के मद्देनजर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए जा रहे हैं। साथ ही छठ के अवसर पर यातायात व्यवस्था ठीक से चले, इसीलिए काफी तादाद में पुलिस बल की तैनाती की जा रही है। सुरक्षा व्यवस्था को देखते हुए सूबे के सभी पुलिस कर्मियों की छुट्टी को 4 नवंबर तक रद्द कर दिया गया है। पूर्व सांसद कीर्ति आजाद को कांग्रेस ने दिया झटका। अध्यक्ष पद के लिए कीर्ति आजाद के नाम की काफी चर्चा रहने के बावजूद सुभाष चोपड़ा को दिल्ली अध्यक्ष बनाने पर मुहर लगाई है। कांग्रेस ने क्रिकेटर से नेता बने कीर्ति आजाद को कैप्टन कमेटी का अध्यक्ष घोषित किया है। आपको बता दें, हाल ही में आजाद को दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी का नया अध्यक्ष नियुक्त करने की खबर के बाद पार्टी के कई नेताओं ने इसका विरोध किया था। मुंडेश्वरी, करकटगढ़ और दुर्गावती को इको पर्यटक स्थलों में किया जाएगा विकसित। उपमुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने कैमूर के मुंडेश्वरी धाम एवं करकटगढ़ तथा रोहतास के दुर्गावती जलाशय का स्थल निरीक्षण करने पहुंचे, जहां उन्होंने कहा कि इन तीनों को इको टूरिज्म स्थल के रूप में विकसित किया जाएगा। मुंडेश्वरी धाम में मंदिर के नीचे 5 हेक्टेयर में इको टूरिज्म पार्क विकसित किया जाएगा, जहां 3 झरने और बिहार के लिए तालाब पार्किंग स्थल बनाए जाएंगे। वहीं ऋषिकेश के लक्ष्मण झूला की तर्ज पर 70 मीटर लंबा हैंगिंग ब्रिज के साथ किनारे में एक नया स्थल विकसित किया जाएगा, जो 80 मीटर लंबा स्टील का ढांचा हवा में निकला और ग्लास से ढका व्यू पॉइंट होगा, जहां से पर्यटक सामने से जलप्रपात के नजारे को अलग अलग दिशाओं से देख सकेंगे। दिवाली छठ में बारिश कर सकती है परेशान। उत्तर बिहार के लोग दीपावली की तैयारी में जुट गए हैं। इसी बीच भारत मौसम विज्ञान विभाग की ओर से 23 से 27 अक्टूबर तक के लिए पूर्वानुमान के अनुसार कम दबाव का क्षेत्र बनने के कारण 25 अक्टूबर तक तराई व मैदानी क्षेत्रों में हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है। वहीं कुछ जगहों पर हल्के बादल भी छाए रहेंगे। मुजफ्फरपुर हाजीपुर रेलखंड के डबल लाइन का काम हुआ पूरा। मुजफ्फरपुर से हाजीपुर के बीच डबल लाइन बनाने का काम पूरा हो गया है, जिसके पश्चात अब डबल लाइन पर ट्रेनों का परिचालन शुरू हो जाएगा। ज्ञात हो, संरक्षा आयुक्त मोहम्मद लतीफ खान ने भगवानपुर व घोसवर में के बीच ट्रॉली से डबल लाइन का निरीक्षण कर ट्रेनों के परिचालन की अनुमति दे दी है। आपको बता दें, हाजीपुर से मुजफ्फरपुर के बीच डबल लाइन निर्माण का काम पिछले 4 साल से चल रहा था। वाहन चालकों के लिए नए नियमों को किया गया लागू। परिवहन विभाग द्वारा वाहन चालकों के लिए लागू किए गए नए नियमों के तहत अब विभाग की वेबसाइट पर निबंधित मोबाइल नंबर से विभाग की सभी जानकारियां वाहन मालिक को मिलती रहेगी। विभाग की वेबसाइट पर वाहन मालिकों का नंबर निबंधित होने पर फिटनेस, बीमा, प्रदूषण आदि खत्म होने के पहले ही मोबाइल पर मैसेज वाहन मालिक को सूचित कर दिया जाएगा। इसके अलावा कहीं भी ई चालान कटेगा तो उसकी जानकारी मोबाइल पर ही मिल जाएगी। 10 दिसंबर को राजद राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव करेगा।
राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद के लिए 10 दिसंबर को चुनाव का आयोजन किया जा रहा है। सहायक राष्ट्रीय निर्वाचन पदाधिकारी चितरंजन गगन ने बताया कि प्रदेश अध्यक्ष, राज्य कार्यकारिणी एवं राष्ट्रीय परिषद के सदस्यों का चुनाव 27 से 30 नवंबर के बीच होने की संभावना है। वहीं 2 दिसंबर को राष्ट्रीय परिषद के सदस्यों की सूची प्रकाशित की जाएगी, साथ ही साथ 9 दिसंबर को राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक होगी। सरकार गरीब परिवारों को देने जा रही है दिवाली का इनाम। बिहार सरकार गरीब परिवारों को दिवाली का तोहफा देने जा रही है। दिवाली गिफ्ट के रूप में गोल्डन कार्ड का वितरण किया जाएगा। इस कार्ड के माध्यम से गरीब परिवारों को साल में 5 लाख का मुफ्त और कैशलेस इलाज की सुविधा मिलेगी। इस बाबत बिहार राज्य स्वास्थ्य सुरक्षा समिति द्वारा इसकी पूरी तैयारी कर ली गई है। आपको बता दें, राज्य के सभी जिलों में यह कार्यक्रम दीपावली के दिन आयोजित किया जाएगा। पटना और रांची के बीच चलाई जाएगी सुविधा स्पेशल ट्रेन। छठ और दिवाली को लेकर यात्रियों की संख्या बढ़ गई है। ऐसे में रेलवे यात्रियों की सुविधाओं को देखते हुए कई स्पेशल ट्रेनों का परिचालन की व्यवस्था पर काम कर रहा है। भीड़ को देखते हुए पटना और रांची के बीच ट्रेन संख्या 80625, 80626 रांची पटना रांची के परिचालन का निर्णय किया गया है। आपको बता दें, 80625 पटना रांची सुविधा स्पेशल ट्रेन 3 नवंबर को रांची से रात 11:45 पर खुलेगी। वहीं 80626 पटना रांची सुविधा स्पेशल ट्रेन पटना से सुबह 10:30 खुलेगी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने केजरीवाल सरकार पर कसा तंज। दिल्ली के बदरपुर में आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए केजरीवाल सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि दिल्ली में रह रहे बिहार के लोगों ने अगर काम करना बंद कर दिया तो पूरा शहर ठप पड़ जाएगा। तब जाकर लोगों को बिहार के लोगों की ताकत का अंदाजा लगेगा। केजरीवाल सरकार दिल्ली की बड़ी आबादी को मूलभूत सुविधाएं देने में भी नाकाम साबित हुई है। दिल्ली के कई कॉलोनियों में लोग बेहद खस्ते हालात में रह रहे हैं, लेकिन सरकार उनके लिए कुछ भी नहीं कर पा रही है। शाहबाज नदीम ने टेस्ट क्रिकेट के बाद धोनी से ली नसीहत। रांची टेस्ट मैच से ठीक पहले टीम इंडिया के गेंदबाज कुलदीप यादव के इंजर्ड होने के बाद टेस्ट टीम में शाहबाज नदीम को खेलने का मौका दिया गया था। नदीम ने दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ तीसरे टेस्ट मैच में रांची में डेब्यू भी किया, जिसमें नदीम ने कुल 4 विकेट भी चटकाए। ये टेस्ट मैच चौथे दिन खत्म हो गया और इसके बाद एमएस धोनी से शाहबाज नदीम को बात करने का मौका मिला, जिसमें नदीम को कुछ महत्वपूर्ण बातें बताई और आगे खेलने के लिए कुछ टिप्स भी दिए। औरंगाबाद जाने वाले लोग इन पर्यटन स्थलों पर जरूर भ्रमण करने जाएं। औरंगाबाद जाने वाले लोग इन मशहूर धार्मिक स्थलों पर भ्रमण करना ना भूलें। सूर्यदेव मंदिर और श्री दुधेश्वर नाथ मंदिर, उमगा मंदिर जरूर घूमने जाएं। इसके अलावा पीरू हजरत सैदना मोहम्मद जिलानी की मजार भी जरूर जाएं। पटना से औरंगाबाद जाने के लिए बस और ट्रेन दोनों की सुविधाएं उपलब्ध हैं। जलजमाव जैसी स्थिति से निपटने के लिए बनाई गई योजनाएं। जलजमाव जैसी स्थिति से निपटने के लिए सरकार को उच्च स्तरीय योजनाएं तैयार करनी होंगी। इन योजनाओं को पूरा करने के लिए खर्च होने वाली राशि की जिम्मेदारी ऊपर से नीचे तक तय की जाए, साथ ही इनका क्रियान्वयन एकीकृत रूप से पूरा कराया जाए ताकि उनकी डुप्लीकेसी ना हो सके। योजनाएं तय करने के लिए विभाग से लेकर नगर निगम, बुडको, निर्माण जैसी एजेंसी सहित जन संगठनों को समेकित बैठक हो। सभी केंद्रीय विद्यालयों में बनाई जाएंगी छात्र परिषद। सभी केंद्रीय विद्यालयों में छात्र परिषद बनाए जाएंगे। इससे छात्रों के अंदर लीडरशिप क्वालिटी को डेवलप करने में काफी मदद मिलेगी। केंद्रीय विद्यालय संगठन पटना जोन के प्रचार सम्मेलन के अंतिम दिन सहायक आयुक्त संतोष कुमार ने कहा कि इस साल से सभी केंद्रीय विद्यालयों का निरीक्षण किया जाएगा। इस दौरान जितनी भी त्रुटियां सामने आएंगी उन्हें दूर करने की कोशिश की जाएगी। बिहार के किशनगंज में ओवैसी की AIMIM ने मारी बाजी। बिहार में लोकसभा की 1 सीट और विधानसभा की 5 सीटों पर हुए उपचुनाव के परिणाम आ चुके हैं, लेकिन सबसे ज्यादा चौंकाने वाला परिणाम आया है किशनगंज से, जहां AIMIM के नेता कमरूल होदा ने बाजी मारी है। सभी पार्टियों को हराकर AIMIM ने बिहार में अपना खाता खोला है। आपको बता दें, कमरूल होदा ने किशनगंज सीट से लगभग 10,000 वोटों से जीत दर्ज की है। दिया मिर्जा ने की पटना की सड़कों की तारीफ। हाल ही में पटना में जागरण द्वारा आयोजित डांडिया नाइट में शिरकत हुई दिया मिर्जा ने कहा कि पटना का कल्चर और कला बेमिसाल है। पटना की सड़कें मुंबई की सड़कों से बहुत अच्छी है, खासकर की सड़कों के किनारे बनी मधुबनी पेंटिंग्स। यहाँ की दीवारों पर बनी पेंटिंग्स बेहद ही खूबसूरत और अच्छी है। यहाँ आकर मुझे बहुत अच्छा लगा। उपचुनाव के परिणामों की हुई घोषणा। बिहार विधानसभा उपचुनाव की 5 सीट और 1 लोकसभा सीट पर हुए चुनाव के परिणाम की घोषणा हो चुकी है। जीत के बाद राजद मुख्यालय के बाहर खुशी में झूमते लोग। बिहार विधानसभा उपचुनाव में 5 सीटों में से 2 पर राजद को मिली जीत के बाद राजद मुख्यालय के बाहर समर्थक झूमते नजर आ रहे हैं। लालू यादव की पार्टी के रास्ते खुलते नजर आ रहे हैं। लोकसभा चुनाव के दौरान 0 पर आउट हुई राजद ने 5 सीटों में से 2 पर अपनी जीत सुनिश्चित कर ली है। इसके बाद प्रत्याशियों में आगामी विधानसभा चुनाव में भी जीतने की उम्मीद जागी है। प्रधानमंत्री मोदी ने दिया डीएलएड मुद्दे के निपटारे का आदेश। एनआईओएस की ओर से आयोजित विशेष डीएलएड को मान्यता न देने के मामले में पीएम मोदी ने मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक को इस मामले का
जल्द समाधान निकालने का आदेश दिया है। आदेश के बाद मानव संसाधन विकास मंत्री ने अधिकारियों को सभी पक्षों को सामने लाने का आदेश जारी किया है। आपको बता दें 18 महीने के डीएलएड कार्यक्रम को मान्यता खत्म कर दी गई थी। धोनी के रिटायरमेंट पर बोले सौरभ गांगुली। बीसीसीआई के नए मुखिया सौरभ गांगुली ने भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी के भविष्य में मैदान में वापसी पर कहा है कि भारत महेंद्र सिंह धोनी जैसे धुरंधरों के योगदान पर गर्व है। वहीं धोनी के संन्यास की अटकलों को लेकर सौरभ गांगुली ने कहा कि चैंपियंस इतनी जल्दी खत्म नहीं होते, जब तक मैं हूं हर किसी का सम्मान होगा। हालांकि अभी तक महेंद्र सिंह धोनी को लेकर टीम मैनेजमेंट या सेलेक्टर से उनकी किसी तरह की कोई बातचीत नहीं हुई है। हाउसफुल 4 के लिए निकाले गए कलेक्शन प्रिडिक्शन। आज अक्षय कुमार की फिल्म हाउसफुल 4 रिलीज होने वाली है। इससे पहले आई हाउसफुल की सभी सीरीज ने बॉक्स ऑफिस पर उम्दा प्रदर्शन किया है। ऐसे में चौथी सीरीज से भी अच्छा प्रदर्शन कलेक्शन आने की उम्मीद जताई जा रही है। ट्रेड जानकारों का अनुमान है कि हाउसफुल 4 बेहतरीन ओपनिंग ले सकती है। वहीं मैगजीन सुपर सिनेमा के मुताबिक हाउसफुल 4 की पहले दिन की कमाई 24 से 25 करोड़ हो सकती है। वहीं दूसरे ट्रेड जानकारों के अनुसार यह फिल्म 18 से 20 करोड़ के साथ ओपनिंग कर सकती है। अब आइए जानते हैं मौसम का हाल। मुंगेर, दरभंगा, गया, किशनगंज, लखीसराय, मधुबनी, मुंगेर, पटना, पूर्णिया, बेगूसराय, भागलपुर, रोहतास में दिन भर बादल छाए रहेंगे, साथ ही बूंदाबांदी होने के भी आसार है। वहीं अररिया, औरंगाबाद, बांका, भोजपुर में भी दिन भर बादल छाए रहेंगे। बक्सर, ईस्ट चंपारण, शेखपुरा, सीतामढ़ी, गोपालगंज, मुजफ्फरपुर, सिवान में दिन भर बादल छाए रहेंगे। वहीं जमुई, कटिहार, मधेपुरा, नालंदा, नवादा, सहरसा, समस्तीपुर, सुपौल में भी अधिकांश बादल छाए रहेंगे। कुछ क्षेत्रों में बारिश होने की भी संभावनाएं हैं। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।